समय आज तारीख 3 अप्रैल 2011 समय 1:45 का है। 5-15 मिनट के बाद वो हाशिम मियां आवेंगे, सुखू बहू का ड्राइवर, उनके साथ हम भवनोत्सव के लिए रवाना हो रहे हैं। कहने का मतलब कि यही जो गधे आगे दूसरे तीसरे आते हैं, फिर हम ये नहीं देखते कि कितना टाइम लगेगा, क्या नहीं हो, क्यों दरवाजे आया, कल से नवरात्र लगना है, अचानक गधों का आना, और नवरात्र में खास करके अगर दरवाजे गधे आ जाएं, तो ये मान के चलिए कि अच्छे लक्षण हैं। ईश्वर की लीला जो है लक्षणों में देखा जाता है, ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किस दिन हुआ, जो भी घटनाएं घटती हैं मनुष्य के जीवन में, आप कोई भी बेईमानी करें, मक्कारी करें, साधु संत को सतावें, अब तो नोट कर लीजिए, और जब विपत्ति आवे तो उसको मिलाइए, आपका समय दिन तारीख वही होगा, तारीख हो सकता है बदल जाए लेकिन दिन वही होगा। मेरा अनुभव है जीवन भर का, एक है गधी खा रही है, एक वहाँ दूर खड़ी है, उसको देख के वो भी आएगी, जहाँ आप बनाइए देखिए है वहाँ वो खड़ी है, सबसे भरा हुआ है, दूर है वो, यहाँ चाहिए से कार के पास जाओ, ये तो बस धूप ना पड़े। हाँ एडवांस में ये आ गए तो एक अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको आप रखिए, अब हम भवनेश्वर के लिए रवाना होने वाले हैं। मतलब एक 24 घंटा देखिए काम करें आप, कथा सुनने से सुनिए, यही तो हमारे समाज में सबसे बड़ा अंधापन है, गंगा स्नान करने से, कथा सुनने से, अखंड रामायण, अगर नया मकान आपका बनता है और नए मकान में अगर आप जाते हैं तो उस नए मकान में छोटे छोटे बच्चों को खिला दीजिए, उस मकान में कुछ सामान रोटी बनवा के पूरे मकान के दरवाजों में कमरों में छुआ करके उस रोटी को कुत्ते को दे दीजिए, आप गाय को दे दीजिए, बंदर को खिला दीजिए, तब आपका वो मकान जो है सुरक्षित हो जाएगा, जितने उसमें दोस्त हो अगर कोई होंगे वो मिट जाएंगे। हम आप ऐसा नहीं करते, पंडित जी को बुला लो, कथा कहवा दो, भागवत कहवा दो, अरे भाई भागवत कथा से अगर सारा काम सिद्ध होने लगे तो फिर रोना किस बात का है, जो असली काम है कोई नहीं करता, असली काम दान देने से कटता है, कोई दोष है अगर आपने दे दिया है तो सारा दोष निकल गया, उस मकान में नया मकान है, आपने उस रोटी छुआ दिया, यहाँ दरवाजों में बच्चे की आपकी उम्र बढ़ानी है, इकलौता बेटा है ना, तो उससे प्रत्येक मंगलवार को या प्रत्येक शनिवार को उससे छुआ करके रोटी कुत्तों को दे दीजिए, बंदर को दे दीजिए, उसको पर कभी कोई विपत्ति आएगी नहीं, रोगी नहीं होगा, अकाल मृत्यु अगर लिखी होगी तो अकाल मृत्यु भी आपके बेटे की टल जाएगी, लेकिन करके तो देखो भाई, ये तांत्रिक क्रिया है, ये क्रिया नहीं कोई साधु बताता, इसलिए कि आपने अपने बेटे की सुरक्षा किया, आपने गधे को बंदर को दे दिया, हमको क्या मिला, यहाँ तो आज के ज़माने में है कि हमको क्या मिला, हम समझते हैं कि अगर मैं पुण्य करवाता हूँ तो हमें सब कुछ मिल जाता है, मेरे साथ भाई हमको क्या, हमारे साथ चमत्कारी घटनाएं हो रही हैं, अचानक चमत्कारी घटनाएं हो रही हैं, जो इच्छा मन में होती है कि ये आदमी जिसके मैं हाथ जोड़ने के लिए सोचता हूँ वो अपने आप ही चला आता है हाथ जोड़ने के लिए, ये अनुभव है जीवन भर का। तो अब तो ये समय नहीं है, अब मैं वाणी को विराम दूंगा और तैयारी कर रहा हूँ, धन्यवाद।